देखो 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 पलंग खींच लिया। वेलकम टू द ब्लॉग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह की 6:15 बजे देखो कैसी गिरे जो दौड़ी। देखो यही सारी फसलों को भी नुकसान करती है, पर क्या है, इनके भी भाग्य का खाएगी सही है। सही बात है, सुबह की 6:15 बजी है और कितना शानदार नज़ारा था हमारी जगह। देखो सब तरफ हरियाली, हरे भरे पेड़ लड़ा रहे, कबूतर उड़ रहे उदयपुर के आस पास वहाँ पे एकदम से कबूतर, क्योंकि अभी बीज डाले ना, मक्की डाली है, वो मक्की खाने के लिए आए हैं कबूतर, एकदम से उड़े तो आ गया होगा ना, उसने उड़ाया होगा। हमारी गंगा हमारी आराम से बैठी हुई है मस्ती से। इधर थोड़ा गीला हो गया है लेकिन इधर इसके सूखा ही रहता है। अब गीला तो क्या, एक्चुअली में बारिश में इनको टॉयलेट ज़्यादा आता है, ये टॉयलेट ज़्यादा करती है। बाकी मस्ती से बैठी हुई है। अभी मैं देख के आता हूँ कि जो हमने बीज उगाए थे उनकी पोजिशन क्या है, कहीं इन गिलोरियों ने खा तो नहीं लिए, जो ऊपर से निकलते पौधे उनको खा लेती है गिलोरिया, पत्ते नए नए पत्ते होती है, नई नई कोंपलें होती है उनको खा लेती है। वैसे भगवान की दया से सभी व्यवस्थित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उधर भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल लगभग अधिकतर सब जगह पर बाहर आ चुके हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, सब व्यवस्थित है। समझदार होती है गिलहरियाँ, हमारी भी सोचेगी कि नहीं सीधा आदमी इसका नहीं खा रहा, फिर फल लग जाएंगे उसके बाद में आराम से खाओ ना, पत्तों को ही मत खाओ, फिर पौधों को ही मत खाओ, ठीक रहेगा। पर जीव है उनको तो भूख लगती है डेली, उनके दांत चलाने पड़ते हैं तो खाते ही होकर। फिलहाल मेरे ख्याल से अब चाय बनने वाली है, अब चाय पी लेंगे क्योंकि बाकी सब तो सो रहे हैं। मैं उठाऊँ और उसकी विषय की मम्मी उठी, मेरी वाइफ उठी है, हम दोनों उठे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। चाय बन जाएगी, आवाज़ लगाएंगे तो भी उठ जाएंगे। फिलहाल हाथ में चाय आ चुकी है, अब चाय पी लेते सुबह सुबह। ये भी उठ गए, देख लो खड़े हो गए इनकी जगह पे। कंजी अब चाय पी लेते हैं। वीडियो को कंप्लीट एडिट कर दिया और रेंडर पर लगा दिया। अब ये कंजी को ले जाने की तैयारी है दूध पीने के लिए। 1, 2, 3 ये भागा। ये देखो ये भाग गया एकदम से, देखा। तो फिलहाल कंजी अब दूध पी रहे और फिर थोड़ा बहुत बचेगा हमारे हो जाएगा। ये निर्मल अब ये गवार फली के बीज उगा रहा है, ये चमले का भी डाल दे रहे हैं, चमले का बीज और लौकी का बीज है। कितना मुंह में घुसे रहा देख लो, अभी मस्त नहा धो के रेडी हो गए अब, और अब नहा के निकले और भोजन भी तैयार है, थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। अब भोजन बनकर रेडी है, फिलहाल भोजन कर लेते हैं, मस्ती से दाल रोटी और कल की सब्जी पड़ी वो खा लेंगे। अभी हम नर्सरी से ये 5 पपीते के पौधे लेके आए, अब उनको ज़मीन में उगा देते हैं। बीज से भी उगा सकते थे ये पपीते के पौधे, लेकिन क्या बीज से फिर वो टाइम लगता है। हाँ हाँ सही बात है, असली नहीं है जल्दी खाने, इसलिए ये अब पपीते उगाने के लिए खड्डा कर रहा है, देख लो। मस्ती से पपीते इसमें उगाएंगे, बड़े हो जाएंगे फिर आराम से पपीते खाएंगे, मज़ा आ जाएगा, सही नहीं है। रोटियाँ खाना छोड़ दांगा, पपीते से खावाऊंगा बच्चे है। फाइनली ये 5 पपीते के पौधे उगा दिए कंप्लीट, एक में मिट्टी और डालनी बाकी रह गई जो निर्मल डाल रहा, कंप्लीट 5 पौधे उग गए पपीते के। हाँ तो सब में देने ही डाली, मैंने थोड़ी डाली क्या, अरे भाई दादा सब में तेने डाली, मैंने नहीं डाली,
सारे में मिट्टी तेने डाली, खड्डे भी तेने किए, मैं तो खाली एक तगारी भर के मिट्टी ले गया बस, और कुछ नहीं किया। तो अब ये उग चुके हैं, फाइनली लगा दिया इनको, अब इनके बड़े होने की बारी इंतजार है इनके बड़े होने। जब तक ये बाड़ा को, गार्डन को, कुछ भी को, जब तक ये तैयार नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दो दो घंटे हर समय निर्मल भी दे रहा है, विशु भी दे रहा है, और उसकी मम्मी भी दे रही है। हाँ, ज़्यादा भी दे सक रहा है नहीं, पर हाँ इसको कंप्लीट करना है। वैसे भी आज आसमान एकदम से खुला हुआ है, बादल थे लेकिन इतने सारे नहीं है, फिर भी उमस बनी हुई है, तो बारिश तो आएगी आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो यही धोखा हो जाता है हर समय किसानों के साथ में, क्योंकि बेचारे एक दो बारिश होती है और वो फसल उगा देते हैं और फिर बारिश होती ही नहीं है, और उनके सारे बीजों का नुकसान हो जाता है। पिछली बार भी यही हुआ था। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि रात को भी बारिश पड़े, दो चार दिन तक कंटिन्यू बारिश पड़ती रहे और इनके फसल हो जाए बढ़िया किसानों के। वो खड़ी गंगा हो देखो, वो खड़ी गंगा आज आ गई, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हरा हुआ ना तो वो वहीं पे चढ़ रही है थोड़ी सी, ये खड़ी गंगा। आ जाएगी 5-10 मिनट में, आ जाएगी थोड़ी देर में। आओ ले आओ, सुननी रही अभी है। अभी वो खाने में मस्त है, थोड़ा थोड़ा हरा दिख रहा है ना, हरा हरा थोड़ा चारा हो गया है बारिश के कारण, तो अभी वो खाने में मस्त है। ये निर्मल इसको लेने के लिए गया अभी, वो आगे आगे और निर्मल पीछे पीछे, देख लो दौड़ रही आगे। आ गई, वैसे भी आ जाती वो। अब भोजन तैयार हो गया, खाना खा लेते हैं। खाने में मस्त बनाया है, आम का रस, आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और चावल। फिलहाल भोजन बन गया है तो भोजन कर लेते हैं। देखो 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 देखो, पलंग खींच लिया, इतना उतावला ले बेटा। ये रस और चावल, इसको आम का रस और चावल कितने शौक है देखो इसको। पलंग ही खींच दिया इसने, एकदम से पलंग खींच दिया, उतावला बहुत है। और एक बार में साफ भी कर दी पूरी डोंगे को, पूरा डोंगे को साफ कर दिया। अब कुछ नहीं है, ले ले ले, इसमें क्या। कर दिया देख लो, इतना बड़ा पेट भी सू तेरा, बहुत खाना खा लिया। ओ तेरी तो यार वाकई में, चल इस पेट को, इस पेट को बाहर निकाल दे फटाफट, टी शर्ट में से बाहर निकाल दे पेट को, टी शर्ट में से बाहर निकाल निकाल निकाल, ये मेरा प्रोटेक्शन है डाल। और यार पेट ही खाली हो गया पूरा पूरा यार एकदम से। मस्ती से भोजन कर लिया और कन्नू को भी रस और चावल खिला दिए, अब आराम से सो जाएंगे। आज घड़ी में वैसे भी 9:30 बजना ही है, तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और सदा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।